कि सारी ना टीम्स साथ में है और ये 15th ईयर है जो पापा का फैसल है रिश्ता कहलाता पे और सालों सदियों और चलता रहे। एंड सबको थैंक यू करना चाहेंगे, सारे फैंस को, दर्शकों को, आप सबको, ये आपने इतना प्यार दिया हमें ऑल दीज ईयर्स एंड सो नाइस। शिवांगी ऑल्सो कम हर साल की तरह, आई थिंक 9th ईयर चाहे हमारे स्थापना हो चाहे विसर्जन, चुनाव विसर्जन की बात करेंगे, बट शी इज ऑलवेज देयर। तो कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं हमारे जो जिंदगी भर के चलते हैं। एंड द एंटायर टीम्स टुडे रिश्ता की टीम ने बहुत प्रे किया है, वी थैंक एवरीबॉडी। शिवांगी आप अपने कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे या आपके यादें? दस दिन बैठना पड़ेगा तो नहीं बता पाऊंगी सर। हर दिन की मेमोरीज मेरे लिए बहुत खास है यहाँ पे, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैं सबसे मिलकर। और मैं समृद्धि फेलो गिड़वाली सब लोगों से मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस ये बोलूँगी पापा की ब्लेसिंग हम सब पर इसी तरह बनी रहे और हमारा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है और तरक्की करें, वह सबके दिलों को और छूए और आप लोग इसी तरह हमारे शो को प्यार दें। शिवांगी आप अपने पर पोती अगर मैं कहूँ तो समृद्धि के साथ खड़े हो और फिर वहाँ वो दामाद भी है, how does it feel? मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। क्या दुनिया को तो ये ऑन स्क्रीन मिरेकल कि दो अभिनेत्रियाँ एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, ओनली राजन शाही कैन डू इट। सर क्या कहना चाहोगे ऑन दिस? बस आई थिंक वो अच्छे इंसान होते हैं, वो अच्छे इंसान बहुत सारे बुरा भी बोलते हैं भाई, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड, एंड दैट आई थिंक हैज बीन माय बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड लक। पापा थैंक यू कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, यूनिट क्रू लोग अच्छे मिले। एंड मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे साथ थे, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ कल आएंगे, उन सब के लिए थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। मोमेंट मुझे सबसे अच्छी फीलिंग ये हुई थी कि सेट पे आने के बाद मैंने देखा डॉग्स इतना फ्रीली घूम रहे हैं एंड स्पेशली बारिश में कितना जरूरी है उनके लिए एक शेल्टर होना, बिकॉज एनिमल्स कहाँ जाएंगे एंड हम एक तरह से उनकी जगह इन्वेड कर रहे हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको जगा दें कि यहाँ पर वो एक को एग्जिस्टेंस वाला एक कल्चर है विच इज़ वेरी नाइस। एंड रोज़ मैं एक दिन पैकअप हो रहा था, मैं जा रही थी घर, तो आई आस्क्ड अमर दादा हू इज़ इन द कैंटीन, तो वो खाना बना रहे थे सारे डॉग्स के लिए, थे बड़े पति हैं, तो हैट्स ऑफ टू दिस जेस्चर। मतलब उन लोगों के लिए जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते या जो बेजुबान है वो सबसे ज़्यादा मैटर, हम सबको करना चाहिए। रोहित आपके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? I'm very happy कि यहाँ पर मुझे सब लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है और इतनी अच्छी बाइक में और रहने का एक अलग ही फील है। और मैं हर बार सोचता था पहले 4-5 साल पहले कि यार डीकेपी के गणपति हो या कोई भी फेस्टिवल हो, टू गेट टुगेदर की जो पिक्चर्स देखता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी लकी रहते हुए आई एम हियर। एंड जैसा गणपति ने बोला कि डॉग्स की शेल्टर की जो बात की, तो वो जितने शॉप्स हैं मेरे मीटर रूम के बाहर ही बैठे शुरू में तो मुझे अजीब लगता है, बट अभी मेरी इतनी आदत पड़ गई कि जब मैं मेकअप रूम में जाता हूँ उनसे बात करके जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करके कि प्लीज मेरे को जाने दें, दोस्तों मेरा शॉर्ट रेडी है प्लीज दिखाने दें, तो मेरी कंपेनियनशिप भी उनके साथ में बहुत अच्छी हो गई है। आई थिंक इसका जो इंस्पिरेशन है माई डॉटर ऋषिकस है, ये बात टीम जिसने डिसाइड किया कि बेजुबानों के लिए एजुकेट करना क्या क्या, यू नो जब बारिश होती है तो शेल्टर दो, स्ट्रेस को खाने दो, यू नो एंड ऑफ कोर्स थिंग्स लाइक यू नो धूप हो तो आप उनको पानी रखो। सो आई थिंक ये बरकत DKP के हमेशा बोलता हूँ सब ब्लेसिंग्स तो हैं, बट ये जो बेजुबान की तरफ जो केयर है जो हमें वो आशीर्वाद और प्यार देते, आई थिंक ऋषिका आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाई माई डॉटर, बिकॉज आज भी हमारे घर पे थे, वो फ्यू डेज बैक टू स्टेज को ना एक्सीडेंट हो गया था, बट दोनों स्टेज का सर्जरी करा के मेरे घर पे है, घर पे लेके आती हूँ। सो ये आई हैव सीन दैट दैट एम्पथी टुवर्ड्स दिस थिंग, वो बचपन से दो महीने की छुट्टियाँ में इंडिया भी आएगी तो दो महीने मॉर्निंग टू इवनिंग शी इज एट शेल्टर होम लुकिंग आफ्टर इंजर्ड डॉग्स, तो ये बहुत अच्छा लगता है स्टे कैट्स एंड ऑल दैट। बस थैंक यू गणपति बप्पा मोरया।